13 साल की लड़की ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। जी हाँ, जापान की मोमिजी निशिया ने विमेंस इंडिविजुअल स्केटबोर्डिंग में ये गोल्ड जीता है। ये खेल पहली बार टोक्यो ओलंपिक में शामिल किया गया है और इस खेल का पहला गोल्ड जापान की मोमिजी निशिया के नाम हो गया है। मोमिजी निशिया की उम्र 13 साल 330 दिन है। ये 30 अगस्त 2007 में पैदा हुई थी। दूसरा मेडल यानी कि सिल्वर मेडल भी 13 साल की लड़की रायसा लील ने जीता है। ये ब्राजील की रहने वाली हैं। रायसा लील की उम्र 13 साल 203 दिन है, मतलब ये मोमिजी निशिया से भी छोटी हैं। तीसरा मेडल यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जापान की ही नकायमा फूना ने जीता है। इनकी उम्र 16 साल है। अगर अभी तक के ओलंपिक गेम में सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी की बात करें जिसने गोल्ड मेडल जीता है, तो ये रिकॉर्ड मार्जोरी गेस्ट्रिंग के नाम है। मार्जोरी गेस्ट्रिंग ने 13 साल 268 दिन की उम्र में 1936 के बर्लिन ओलंपिक में ये गोल्ड मेडल जीता था। ये गोल्ड मेडल उन्होंने स्प्रिंग बोर्ड डाइविंग में जीता था। अगर भारत की बात करें तो सबसे कम उम्र में मेडल जीतने का रिकॉर्ड पीवी सिंधु के नाम है, जिन्होंने 21 साल की उम्र में रियो ओलंपिक में बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीता था। अगर भारत की तरफ से ओलंपिक में भागीदारी की बात करें तो सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी थी आरती शाह। इन्होंने 1952 के हेलेंस्की ओलंपिक में स्विमिंग में भाग लिया था और तब इनकी उम्र थी 11 साल 10 महीने। तो ये थी ओलंपिक में सबसे कम उम्र में मेडल जीतने वाली खिलाड़ियों की जानकारी। हमें उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, इसलिए आगे भी ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहिए।